हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत से, ये वक्त है हमारी स्पेशल सीरीज शहर वही जिंदगी नई का, जिसमें वक्त है आपको फैशनेबल बनाने वाले बुटीक पर अपडेट देने का। ये कोशिश है घर बैठे आपको ये समझाने की कि दुनिया कैसे बदल रही है और आपको कैसे खुद को उसके लिए तैयार करना। और ये बदलाव तो भाई अब लंबा चलेगा। हमारी साथी रेणु चौधरी का अनुभव हम चाहते हैं कि आप देखें और शेयर करें। आप भी समझिए इस अनुभव से कि आपकी हमारी जिंदगी कोरोना ने कितनी बदल दी। तस्वीरें मुंबई के निकाई फैशन स्टूडियो की है, जहां बुटीक की मालकिन अपने स्टाइलिस्ट से कपड़ों की सिलाई को लेकर वीडियो कॉल पर बात करती नजर आ रही है। अभी इसकी जो स्लीव है वो हम जॉर्जेट की करेंगे, इसके साथ प्लेन स्लीव अच्छी लगेगी। तो जॉर्जेट का कपड़ा कितना लूं वैसे जी, वो मैं लेके आपको भेज देती हूँ। सवा मीटर में हो जाएगा, ठीक है। ये सब इसलिए क्योंकि कपड़ों का फैशन बुटीक ग्राहकों के लिए फिर से खुल गया है, लेकिन कपड़े सिलने वाले स्टाइलिस्ट कोरोना की वजह से घर से काम कर रहे हैं। मास्टर जी है वो बुजुर्ग है, तो उनका बहुत वल्नरेबल एज ग्रुप है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती। कोरोना ने कपड़ों के बुटीक में क्या क्या बदला है सुनिए। अब अपॉइंटमेंट देते वक्त मैं काफी उनसे सवाल करती हूँ कि आपके बिल्डिंग में तो कोई केस नहीं है, आप ठीक हो ना, आपके घर में सब ठीक है ना, आपको कुछ सिम्टोमेटिक तो नहीं है ना। और फिर उसके बाद मैं अपॉइंटमेंट देती हूँ एंड आई मेक श्योर कि उसके आजू बाजू दूसरा कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है, ताकि जब वो आए, वो क्लाइंट जब आए, तो दूसरा कोई और दूसरा क्लाइंट उसके साथ क्लैश न हो। बाहर सैनिटाइजर रखा हुआ है, चप्पल वैसे भी पहले भी मैं बाहर ही उतरवाती थी क्लाइंट से, तो अभी भी सब चप्पल बाहर उतारते हैं, सैनिटाइज करके ही अंदर आते हैं। एंड देन देयर इज नो कॉन्टैक्ट, मतलब उनके जो ट्रायल के कपड़े हैं वो हैंगर पे रखे हुए हैं, वो ट्राई करते हैं और वो वही फोल्ड करके, बैग भी रखी हुई रहती है, वही फोल्ड करके उसको ले जाते हैं। कोरोना काल से पहले फैशन बुटीक में 9 से 10 लोग काम करते थे, लेकिन अब नजारा ये है कि सिर्फ 3 लोगों के साथ ही काम पूरा किया जा रहा है। 30% लोग हैं, 9 लोग थे पहले, अभी तो बस मैं 3 लोगों के साथ काम चला रही हूँ। ग्राहक भी पूरे इंतजाम के साथ कपड़े सिलाई के लिए लेकर पहुँच रहे हैं। तो आई थिंक सबने एक्सेप्ट कर ही लिया है, सो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम लग नहीं रहा है मुझे। तो आने से पहले आपने अपॉइंटमेंट लिया था ऐसे कुछ प्रोसीजर? कल ही मैंने अपॉइंटमेंट कंफर्म करके लिया था एंड बिफोर कमिंग आल्सो आई टेक्स्टेड हर इफ आई शुड कम। ये चीजें हैं कोविड काल में जो बदली हैं, रंग बदला है, रूप बदला है, लोगों का जीने का तरीका बदला है, और इसी में लोगों को अपना खुद की सेहत को ध्यान देते हुए अब इस न्यू नॉर्मल में जीने का तरीका सीखना होगा। कैमरा पर्सन उत्तम कटियार के साथ रीना चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई।